आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं मर जाऊं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुझे तो मैं मार के ही मरूंगा। ये गाड़ी के साथ से तुझे भी जला दूंगा। तुझे क्या लगा तू हमें घुमा रहा था? बेटा चंडीगढ़ दर्शन जो करवाया ना, ये पूरा हमारा प्लान था तुझे यहाँ पर लाने के लिए, तू घुमा रहा था। अबे तू क्या घुमाएगा, बोल कैसे मरना है? जल के मरना है? नहीं यार, जल के नहीं मारना इसको, इसको जल के मारूंगा मैं भी मर जाऊंगा, पर मैं तुझे ना तुझे मरते हुए देखना चाहता हूँ, तो कुछ और, कुछ और। मैं आग नहीं, आग नहीं। पीछे चल, पीछे 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 चल, चल पीछे। भूल जाता है तू, मारने के लिए नहीं तू मरने के लिए आया है। तेरी फ्लाइट बुक हो चुकी है ऊपर के लिए, ला। एक गोली मारूंगा तो मर जाएगा, पर मजा नहीं आएगा यार। हमें चाहिए ड्रामा, मजा चाहिए, मजा आना चाहिए, ये नहीं कुछ और। मैं ना इसे तड़पते हुए देखना चाहता हूँ, तड़पते तड़पते मरते हुए देखना चाहता हूँ, कुछ और सोचो, कुछ और। इस राकेश के बच्चे को तो और छोड़ूंगी नहीं मैं, भाई गॉड बहुत परेशान करके रखा है उसने। तुझे पहले मंडप से उठा गया था ना ये? वो तो अच्छा है कि जीजू प्यार करते हैं तुझसे, उन्होंने इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद तुझसे शादी कर ली। पर उस दिन भी तुझे किडनैप करने के लिए घर तक पहुंच गया था ये। इसे अच्छे से पता है कि तू इसे बिल्कुल पसंद नहीं करती है, लेकिन ये है कि हट ही नहीं रहा है। आज तो इसने हद पार कर दी, बाय गॉड। अरे कर क्या रही है यार, थोड़ी तो तेज चला। मैं चला रही हूँ नीति। नीति क्या हुआ, क्या कर रही है तू? नीति क्या कर रही है? नीति परी मैं चलाती हूँ, तू बहुत स्लो चला रही है, जल्दी आ। अच्छा ठीक है। परी अपनी सीट बेल्ट अच्छे से बांध ले। डंडा लेके आ, लेके आ, लेके आ, लेके आ, डंडा लेके आ। अब इससे तेरी एक एक हड्डिया मैं तोड़ूंगा, तुझे तो अब ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता है, वो तो कंफर्म है। तुझे इतना तड़पाऊंगा कि तू खुद बोल देगा कि भाई ले लो। तूने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, अब मैं ना तुझसे तेरी जान छीनूंगा। तुझे इतना मारूंगा कि तू खुद भगवान से बोलेगा राम राम सत्य है। राकेश, राकेश प्लीज छोड़ दो राजीव को, नहीं। अकेले क्यों, पागल किसी कुत्ते ने काटा है? ये सबको किस लिए रखे थे के मोटी तोंद वाले हैं? इनको खिला पिला कर मोटा किया, सांड जैसा तेरे से ज्यादा कमाते हैं। हाथ पर मत चला, तोड़ दूंगा मैं। मार मार अच्छे से मार। राजीव नहीं प्लीज। नीति नीति तो रुक क्यों गई है, चलना। मजा आया नीति? बोलो राजीव को, नीति क्या सोच रही है यार, चल ना प्लीज। तू रहने दे मैं जाती हूँ। नीति नीति यार, नीति वो लोग राजीव को मार देंगे यार, तो दरवाजा खोल गया तो मुझे जाने दे, तो कुछ तो करना यार प्लीज, मुझे तो जाने दे नीति। नीति रुक जा, नीति पागल हो गई क्या, रुक जा प्लीज नीति। उड़ा दे, पागल हो गई क्या,
उड़ाना तू उड़ा दे किस्सा खत्म हो जाए। मजाक करने का टाइम नहीं है, पता नहीं मैंने ना बहुत बहुत घबराहट हो रही है। अरे क्यों, ऐसा क्या हो गया जो बैठे बिठाए घबराहट हो रही है तेरे को? हाँ चल, क्यों हुआ क्या? बैठ 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 बैठ, क्या हुआ? बेबे मैंने भी नहीं पता कि क्या हो रहा है, पर बहुत बहुत अजीब लग रहा है। मैंने संजू को कितनी बार फोन कर चुकी हूँ लेकिन एक बार भी फोन नहीं उठाया उसने। अरे तो नीति और परी है ना उसके साथ, उनको फोन करके बोल दे, वो बात करवा देंगी संजू के साथ। बेबे दोनों को फोन किया था लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया, पता नहीं क्या कर रहे हैं। अरे शॉपिंग में बिजी होंगे तो ध्यान नहीं किया होगा फोन पर। अबे एक नहीं है, तीन तीन जने एक साथ, तीनों को फोन कर रही थी, एक तो फोन उठा लेता कम से कम। पता नहीं, बस रब करे सब 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 ठीक हो वहाँ पे। अरे सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, तू खम खा ही चिंता ले रही है। संजू अकेला थोड़ी है वहाँ पर, अरे नीति और परी भी तो है उसके साथ, और अब नीति भी पुराने अंदाज में आ चुकी है। अरे ये तीनों एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं, जान। और तीनों ना एक दूसरे को कुछ नहीं होने देंगे, इसलिए टेंशन मत ले। बेबे शायद आप सही कह रहे हो, लेकिन फिर भी पता नहीं मैंने क्यों लग रहा है कि जैसे कुछ कुछ होने वाला है। अब इस घर में कुछ नहीं होने वाला, जितने बवंडर आने थे ना सब आ गए, जो कुछ होना था सब हो गया। अब नीति की शैली के साथ शादी हो जाएगी और परी वो तेरे पास तेरी बहू बन के रहेगी, सेवा करवाना सारी जिंदगी उससे। और मेरा क्या है, मैं तो वापस पिंड चली जाऊंगी। पिंड? पर क्यों है बेबे, पिंड क्यों जा रहे हो आप? गुरिंदर यहाँ रहकर भी करूं तो करूं क्या? अरे उस घर की मुखियाइन तो बनी हुई है वो पम्मी, मुझे ऐसा लगता है मेरी कोई हैसियत ही नहीं है यहाँ। तो भाई मैं ऐसी जगह में नहीं रहूंगी जहाँ पर मेरी कोई इज्जत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। और सच कहूँ ना, बुरा नहीं मानना, वैसे मुझे ऐसा लगता है तेरी भी यहाँ पर कोई खास हैसियत नहीं है। हाँ पर तू सब सह सकती है, लेकिन मैं ये सब नहीं सहने वाली। लेकिन एक बात बोलूँ, तू बुरा नहीं मानना। बोलो। मुझे ना कभी कभी तेरे पे तरस आता है, अरे बड़ी खराब किस्मत है तेरी भी। और नहीं तो क्या, अरे नीति अच्छी बहू थी, बहुत अच्छी थी, पर ये परी है ना, इसका मामला मुझे ठीक नहीं लगता। और मैं तेरे को दावे के साथ कह सकती हूँ कि एक ना एक दिन ना ये लड़की तेरा संजू तेरे हाथ से निकाल कर ले जाएगी, तू कुछ नहीं कर पाएगी। अरे तेरा बेटा दूर कर लेगी, छीन लेगी तुझसे। और संजू जो है ना, परी के आगे तेरी कुछ नहीं चलने देने वाला, ये बात याद रख ले। खैर जो भी होगा वो रब की मर्जी, हम लोग क्या कर सकते हैं ना गुरिंदर। हाँ अभी तो हम लोग बाहर चलते हैं, वहाँ नीति की सगाई की तैयारी करते हैं। चल आ जा, ठीक है? आ जा जल्दी आ जा। राजी बिल्कुल ठीक है। राजी राजीव तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। अरे यार रो क्यों रही है, सब ठीक है, मैं हूँ ना। मुझे लगता है जीजू को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। नहीं नीति, मुझे बस घर जाना है, आराम करना, मैं ठीक हो जाऊंगा। ठीक है तो तुम दोनों घर के लिए निकलो, मैं आती हूँ। आती हूँ मतलब तू कहाँ जा रही है? मुझे पता है ना राकेश का एक नंबर का लीचर इंसान है, कुत्ते की तुम है, वो कितना भी पिट जाए लेकिन कभी सीधा नहीं हो सकता, कुछ भी कर सकता है वो परी, इसलिए मैं पुलिस कंप्लेंट करवा के आती हूँ। तुम दोनों निकलो, मैं आती हूँ। राजीव एक मिनट। Thank you.
जल्दी निकल। थैंक यू नीति, जल्दी कर जा। राजीव